देवदास पहाड़ी बाबा की सिद्धवाणी। दिल्ली में रहने वाले एक दंपत्ति के जीवन में एक भयानक घटना घटी। रंग पुताई करने वाले लोगों ने उनके इकलौते पुत्र और पिता की हत्या कर दी और सारा धन लेकर भाग गए। दोनों पति पत्नी बैंक में नौकरी करते थे। जब वे घर लौटे और यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे दुख से व्याकुल होकर रोने लगे। पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया और बार बार आत्महत्या की बात करने लगा। उसकी पत्नी के भाई, जो एक अच्छे साधक थे, श्री खाक चौक वाले श्री देवदास पहाड़ी बाबा के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। वे पति को लेकर वृंदावन खाक चौक पधारे और बाबा से विनती की कि यह व्यक्ति पुत्र शोक में बार बार मरने की बात करता है, कृपया इसका समाधान करें। बाबा बहुत कड़क साधु थे। उन्होंने कहा, कोई संसार का व्यक्ति मरता है तो इससे हमें क्या? यदि मरना ही है तो यहां क्यों आया? सीधे जाकर मर जाता। अब आ ही गया है तो यह बता कि आत्महत्या करने से होगा क्या? जाकर राम नाम जप। यह सुनकर पति बहुत दुखी होकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, हमें यह सब नहीं पता। हम अपनी संतान के लिए बहुत दुखी हैं। पत्नी के भाई ने कहा, संत भगवान से भी बड़े होते हैं। संतों में श्रद्धा रखने से कल्याण होगा। इसी बात को सुनकर मैं यहां आने को तैयार हुआ। बाबा ने कहा, ठीक है, संतान होगी। पति ने कहा, बाबा, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब किसी भी उपाय से हमारी संतान नहीं हो सकती। मेरी पत्नी के गर्भ में कोई रोग हो गया था और डॉक्टर ने गर्भाशय निकाल दिया है। बाबा बिगड़कर बोले, क्या डॉक्टर संत और भगवान से बड़े हो गए? एक बार कह दिया ना, राम जी संतान देंगे तो देंगे। पत्नी के भाई समझ गए कि बाबा गुस्सा हो गए हैं। उन्होंने कहा, अब यहां से चलो, आगे कुछ मत बोलना। एक वर्ष बाद पत्नी के यहां एक कन्या का जन्म हुआ। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि जिसका गर्भाशय निकाल दिया गया है उसे बच्चा कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी बाबा का चमत्कार देखकर दर्शन करने आए। अब हर वर्ष वह पति पत्नी आश्रम में सेवा करने आने लगे। एक दिन उस छोटी कन्या की मां ने कहा, जाकर बाबा से अपने लिए एक भैया मांग ले। वह कन्या बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, मुझे एक भैया चाहिए, भैया दे दो। बाबा बोले, किसने सिखाकर भेजा तुझे? कन्या बोली, मेरी मां ने कहा था। बाबा ने उसकी मां को बुलाकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अगले वर्ष उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। ग्वालियर के डॉक्टर साहब की कहानी। ग्वालियर में रहने वाले एक डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों कृषि विभाग में कार्यरत थे। वे हर साल खाक चौक में कार्तिक पूर्णिमा उत्सव में सेवा करने आते थे। वे झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, रसोई और शौचालय की सफाई, हर तरह की सेवा करते थे। एक बार श्री देवदास बाबा अपनी जमात के साथ ग्वालियर में उनके घर पधारे। उस समय डॉक्टर साहब की पत्नी बहुत कमजोर थी और बिस्तर पर पड़ी थी। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और रोने लगी। महाराज ने पूछा, क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव पर आकर सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है, परंतु इस बार मैं आकर सेवा नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर कहते हैं कि मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है। गुरु स्थान में सेवा छूट जाएगी, इसी दुख से रो रही हूं। महाराज ने इस विषय पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने केवल कहा, समय से पहुंच जाना। तुम नहीं आओगी तो सेवा कौन करेगा? बर्तन, रसोई, झाड़ू की सेवा कैसे होगी? तुम पहुंच जाना। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कार्तिक पूर्णिमा का अवसर आया तो डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ खाक चौक पहुंचे।
महाराज ने उस समय पूछा, कैसी है तुम्हारी किडनी? उन्होंने रोते हुए कहा, पूर्णिमा के कुछ दिन पूर्व आप मेरे स्वप्न में आए और मुझे उठाकर बिठाया और कमर पर दो लात मारी। अगले दिन मेरी कमजोरी चली गई। मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा, आप पूर्ण स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि रातों रात दोनों किडनी कैसे ठीक हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बस हम अपने गुरु पे ऐसी श्रद्धा रखें कि वो साक्षात भगवान ही है। कमी हमारी श्रद्धा में होती है, गुरु में कभी कमी नहीं होता।